हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर। टुडे डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कल मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से बहुत सारे लड़के को मैंने कल होमवर्क दिया था, बहुत सारे सॉल्व करके दिखाए थे, कुछ स्टूडेंट नहीं सॉल्व करके दिखा पाए। तो हम कुछ और एग्जांपल लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आज, और आज रूट से रिलेटेड हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ वैल्यू दिए रहेंगे तो उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे रूट है कि नहीं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर मैंने वन लिखा है, चेक वेदर टू इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 2x² - 7x + 6 = 0। तो क्वेश्चन नंबर वन था, चेक वेदर 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² - 7x + 6 = 0। तो हमें चेक करना है कि क्या 2 इस इक्वेशन का रूट है, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो सॉल्यूशन है, गिवेन इक्वेशन इज 2x² - 7x + 6 = 0। तो हमने इसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लिए हैं। तो आपको है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 7x + 6 = 0 मैंने लिख लिया। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन p ऑफ x, वी गेट द p ऑफ x इक्वल टू 2x² - 7x + 6 = 0। या x को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 अब प्लस 6। ओके, या दिस इंप्लाई P of 2 = 2 into 2 का स्क्वायर 4 2 into 4 - 7 into 2 - 14 + 6। या दिस इंप्लाई P of 2 = 2 into 4 8 - 14 + 6 - 8। तो देयरफॉर P of 2 = 0। तो हमारे 2 पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 2 पर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं, हेंस 2 इज द रूट ऑफ द गिवेन इक्वेशन। तो जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगा एक गिवेन वैल्यू ऑफ x पर, तो हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर हेंस 2 इज द रूट ऑफ द गिवेन इक्वेशन। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² + 5x + 2 = 0। यहाँ सॉल्यूशन बोला है, तो सॉल्यूशन मींस भी रूट होता है। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन लिखा था, वहां रूट लिखा हूं। तो मान लीजिए कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में सोल्यूशन दिया रहेगा, रूट नहीं दिया रहेगा, तो आपको समझना होगा कि वो रूट ही है, सोल्यूशन मीन्स रूट ही होता है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 2 है, विच सॉरी क्वेश्चन नंबर चेक वेदर -3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² + 5x + 2 = 0। तो सोल्यूशन है, गिवेन इक्वेशन इज 3x² + 5x + 2 = 0। या पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² + 5x + 2 = 0। या सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू -2 इन पी ऑफ एक्स, वी गेट द पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² + 5x + 2। ओके, तो दिस इंप्लाई पी ऑफ एक्स को किसे रिप्लेस करेंगे, -3 से। तो पी ऑफ -3 इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 अब प्लस 2। या दिस इंप्लाई
पी ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू थ्री इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर 9, तो 3 इंटू 9 माइनस 5 इंटू माइनस थ्री माइनस 15 और प्लस 2, या दिस इंप्लाई पी ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू 3 इंटू 9 27 माइनस 15 और प्लस 2, ओके, तो दे आर फोर पी ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू 27 प्लस 2 29 और माइनस के 15, तो दे आर फोर पी ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू 14, तो देयरफॉर 14 नॉट इक्वल टू 0, तो 14 क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, ओके, तो यहां हो गया हेंस माइनस 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो माइनस 3 क्या है, माइनस 3 जो है इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर जब ए इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के वैल्यू पर जीरो नहीं होगा तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू जो दिया था, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। क्यों सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज 14 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये मैंने कल के वीडियो में दिया था सॉल्व करने के लिए कि फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर आपको बताना था कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन दिया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको बताना है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, डिसाइड करना है आपको, बताना है, तो उसको रीजन देकर बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, सेकेंड था वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव वाई प्लस टेन, और थर्ड है वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू टू। तो सोल्यूशन फर्स्ट का, तो फर्स्ट का एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के बारे में बोला, इन दिस इक्वेशन एक्स इज द ओनली वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर क्या है, टू है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्स में वेरिएबल है, एक्स ओनली वेरिएबल, एक्स इज द ओनली वेरिएबल तो मीन्स एक्स में वेरिएबल है, विथ द हाईएस्ट पावर इसकी टू है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कि x में वेरिएबल है, इसके हाईएस्ट पावर 2 है, मींस इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये 2 है, तो इसको हम बोल सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए सेकेंड का सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ सेकेंड, वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव वाई प्लस टेन, ओके। तो हमने लिखा देयरफॉर वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में वेरिएबल है, वाई में वेरिएबल है, इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है, टू है, मीन्स इसकी डिग्री कितनी है, टू है, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये हमने लिख कर बताया कि इन दिस इक्वेशन वाई इज द ओनली वेरिएबल, वाई में वेरिएबल है, विथ हाईएस्ट पावर टू, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है, ओके। तो हाईएस्ट पावर टू है, मीन्स इसकी डिग्री भी टू है, जो हाईएस्ट पावर होता है वही टू डिग्री होती है, इसकी डिग्री कितनी है, टू है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखा हूं कि द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितना, हाईएस्ट पावर टू है, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। हम सोल्यूशन थर्ड देखते हैं, तो यह है वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू टू। तो हमें अब क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखा मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय टू, इस इक्वेशन में टू का मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय वाई, तो वाई से हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे एलएचएस आरएचएस में, तो क्या दिखेगा आपको, तो यहाँ वाई का मल्टीप्लाई वाई क्यूब प्लस वन अपन वाई इंटू वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया तो वन हो गया, तो वाई क्यूब प्लस वन इक्वल टू टू वाई, या देयरफॉर वाई क्यूब माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले तो इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन है, किस में वेरिएबल है, वाई में वेरिएबल है,
इसके हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई, हमें क्वाड्रेटिक के लिए कितना हाईएस्ट पावर होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको लिख कर दिया हूं कि इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वाई इज 3, नॉट 2। द हाईएस्ट पावर वेरिएबल के क्या है, इज 2 एंड नॉट 3, सॉरी हाईएस्ट, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वाई इज 3 है, इसके हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वाई इज 3 है एंड नॉट 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, 2 नहीं है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। तो इन इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वाई इज 3 एंड नॉट 2, तो बोल सकते हैं द गिवेन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस गिवेन इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बोल सकते हैं जब उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैंने 9th क्लास में पॉलिनोमियल में सिखाया हूं कि किसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, किसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसको लीनियर पॉलिनोमियल, किसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो सब हमने बताया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसमें हमारा वाई वेरिएबल वाई की पावर कितना है, 3 है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं एंड नॉट 2। तो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हमने मैथ होमवर्क 29/5/2020 में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि डिटरमाइन वेदर द गिवेन वेदर द वैल्यू गिवेन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक आर नॉट। तो एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वाड्रेटिक का x इक्वल टू 1 पर रूट है कि नहीं, -1 पर रूट है कि नहीं, इसको आपको बताना है। m इक्वल टू 2 पर और m इक्वल टू 5.2 पर रूट है कि नहीं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 इज 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है। और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर भी है कि वन ऑफ द रूट ऑफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -7/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, आपको होमवर्क 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, आप सॉल्व करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आज से रिलेटेड और बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम कल नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करने वाले हैं, और आप सीरियस वीडियो पे देखिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।